नई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और विवाद पर बात करने से पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल ये फिल्म एक प्रेम कहानी है जिसमें रॉकी और रानी नाम के दो किरदार को दिखाया गया है। इस फिल्म में रॉकी का किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं, तो वही रानी का किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। वही अगर इस फिल्म की बात करें तो इसमें संघर्ष, प्यार और रिश्ते की कहानी को बड़े अलग अंदाज से दिखाया गया है। अगर बात कर ले इस फिल्म के रिव्यू की तो सेलेब से लेकर सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिकल तक ने इस फिल्म को काफी पसंद किया है। वही बता दें कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को पहला रिएक्शन केआरके से मिला है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। दरअसल केआरके ने फिल्म का रिव्यू देते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि कई लोगों ने लंदन, मॉरिशियस, सिंगापुर से सेंसर बोर्ड ऑफिस में इस फिल्म को देखा है। उनके मुताबिक ये एक ब्रिलियंट फिल्म है पूरे एंटरटेनमेंट के साथ और ये इस साल की सबसे बड़ी हिट होने वाली है। अगर बात करें फिल्म में होने वाले विवादों के बारे में तो ये भी सब जानते हैं कि जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो कई तरह के विवाद भी सामने आने लगते हैं। बिल्कुल वैसा ही इस फिल्म के साथ भी देखने को मिला है। दरअसल कई लोगों ने ये दावा किया है कि इस फिल्म के झुमका गाने में माधुरी दीक्षित के सबसे फेमस गाने डोला रे डोला गाने के सीन्स को कॉपी किया गया है। हालांकि अभी तक इस बात को कोई साबित नहीं कर पाया। तो वही हमने इस वीडियो में बात की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में और इसमें होने वाले विवादों के बारे में। लेकिन इन सब विवादों और हाइप के बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है। वैसे आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।